महाराष्ट्र झारखंड निर्वाचन को नहीं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस रे उष्मता अच्छी आम कथा हवा भारतीय जनता पार्टी लीडर आम सहित जोड़ी होती अर्घ चैनल को आपको स्वागत करता हूँ। क्या बताएंगे, उड़ीसा में जो जादू चला था वो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, लेकिन झारखंड में आप पीछे रह गए। नहीं देखिए, अभी झारखंड छोटा राज्य है और जो छोटे राज्य होते हैं उसमें परिणाम जो है उसका मार्जिन, हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है, तो उसका अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा को आपने देखा था 3:30 बजे तक, छोटा राज्य था, 80-90 सीटें थी, तो वहाँ पर भी परिणाम आते आते 3 बज गए थे और बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती। जो बड़े राज्य होते हैं वहाँ पर विधानसभाओं के आकार बड़े होते हैं, तो वहाँ पर हार जीत का फासला समझ में आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बढ़त भी होती है तो 15,000-20,000 से ऊपर चलती है, यहाँ 400-500-700 की बढ़त बनती है। तो इसलिए अभी झारखंड में जो है इंतज़ार करना चाहिए, और है आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चली है, उस डबल इंजन की सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, महाराष्ट्र की जनता आज हमें उसका जन आशीर्वाद दे रही है, और उसका आप देख रहे हैं कि हम जो है सारी सीमाएं तोड़कर आगे जो है निकल रहे हैं और जीत को जो है हम प्राप्त भी कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो आप 200 क्रॉस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी आप? बड़ी जीत माना जाएगी महाराष्ट्र में जो 200 पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेट किया जा रहा था प्रधानमंत्री के जरिए। एक बड़ी जीत तो है ही, बड़ी जीत तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, और ये जो स्ट्राइक रेट है ये भी बहुत बड़ा स्ट्राइक है, लेकिन ऐसे हम स्ट्राइक रेट बनाते रहे हैं। आप बिहार का परिणाम देखिए, एक समय में जब हम 101 सीटें करीब लड़े थे और 96 सीट जीत गए थे गठबंधन में, तो ऐसे हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कई रिकॉर्ड्स हमने बनाए हुए हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड बन रहा है, यहाँ भी इतनी बड़ी जीत देखने को मिल गई, तो ये स्वाभाविक है। आज माननीय मोदी जी की इतनी बड़ी लोकप्रियता है, और फिर साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हों, अमित भाई शाह हों, जो एक कुशल रणनीतिकार हैं और एक करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का मेहनत है जो हमें जिताता, और फिर जनता का हमारे नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है, ये सब हमारे जीत के फार्मूले। टेंशन वाली बात बन सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में CM को लेकर? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज तक कभी सुना आपने CM को लेकर कोई विवाद हमारे यहाँ? कभी नहीं होता, गठबंधन हो चाहे कोई हो, बड़ी सहमति से, ये अपोजिशन का एक नैरेटिव है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रोपोगंडा फैलाना, ये झूठ बोलना, ये इस तरह की बातें करना, ये कांग्रेस की फितरत है, और इस बार चुनाव में बहुत स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, 20% मुसलमानों की राजनीति करने वाली रह गई है कांग्रेस। तो लगता है मुस्लिम का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी में बढ़तर हुई है? बिल्कुल, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि ये जो मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं ये ठगे हैं, ये झूठे हैं, ये ठग हैं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार मुस्लिमों को 60-70 वर्षों तक ठगा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम कहां से कहां पहुंच गए, कितना उनका शोषण हुआ है, तो वो भी अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जिस ढंग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को अजीम सिपाही, उद्धव ठाकरे को अजीम सिपाही और शरद पवार जी को अजीम सिपाही कहा है, जो शहजादे होते थे, ये सब शहजादे हैं ना, ये शहजादों को सिपाही की औकात में ला के रख दिया है जिस ढंग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मैं इससे हैरान हूँ कि ये कैसे इसकी स्वीकृति कर रहे हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, जो जातिगत जनगणना को लेकर वहाँ पे बात फैला गया था वो भी नाकार हो गया? देखिए, जातिगत जनगणना के विषय पर सबको पता है, पूरे देश को, नेहरू से लेकर और राहुल गांधी की पिताजी तक, नेहरू हो, इंदिरा हो, राजीव गांधी हो, सबने जातिगत जनगणना का विरोध किया। इवन मनमोहन सिंह जो है उनके शासनकाल में हुआ 2011 में, जुड़े रहेंगे तो सही रहेंगे। बिल्कुल, अरे ये तो एक ऐसा है, ये कोई पहली बार नहीं कहा गया। मैं आपके दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, 2014 में जब हम चुनाव लड़े तो हमारा नारा क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये वही तो है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कहाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा, कांग्रेस की नीति है बटे सुर हमारा तुम्हारा। तो ये तो विभाजनकारी लोग हैं, बांटने वाले हैं। भारत का विभाजन इन लोगों की नीतियों से हुआ है, कांग्रेस उसकी जिम्मेदार रही है। आपण शुणुले मो सहित थिले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के शर्मा, जी की कौ कन्फिडेन्स अच्छी झारखंड में आउ कि समय पर हुए तो सिनेरियो चेंज हे, किंतु महाराष्ट्र रे जो कहला जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री टिप्पणी कर सब कौटना कौटि फेल हो अपोजिशन बैकफुट रही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। नुआ दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय कैमेरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।